जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां डबल इंजन द्वारा विकास का दावा खूब ठोका जाता है ना। डबल इंजन मतलब राज्य की भाजपा सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार का फुल सपोर्ट होना। लेकिन अब यही जुमला कांग्रेस में भी कमाल दिखाने को बेकरार है। राहुल पहले से ही सदन में सक्रिय थे, लेकिन अब उनकी बहन प्रियंका भी लोकसभा का रुख करके भाई के मिशन में अपनी अहम भूमिका निभाने की तैयारी में। मतलब अब दोनों इंजन यानी कि भाई बहन लोकसभा में मोदी सरकार के नाक में दम करने वाले साबित होंगे, ये कहना फिलहाल तो गलत ना होगा। अच्छा, प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो राहुल गांधी के द्वारा छोड़ी गई सीट वायनाड से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच सकती हैं। ये इतिहास में पहली बार ही होगा कि जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अपने सियासी जीवन का आगाज साउथ से करने जा रहा हो। हाल ही में तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि दो सीट से चुनाव जीते राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ने की स्थिति में प्रियंका गांधी अब वहां से उपचुनाव में उम्मीदवार होंगी। हालांकि भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने का मुफीद मौका मिल गया, लेकिन ये भी तय है कि लोकसभा में प्रियंका की स्थिति अब कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेगी।